Now the next topic is physical quantity. So physical quantities, all those quantities which can be measured and in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities. So iska example hai hamara length, mass, acceleration, velocity, फोर्स एट्सेट्रा. तो ये हमारी ये जितनी भी हमारी ये क्वांटिटीज हैं इन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. तो वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करते हैं वो सारी क्वांटिटीज हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. अब फिजिकल क्वांटिटीज ब्रॉडली हमने दो पार्ट में उसे डिवाइड किया है. तो हमारी आ जाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी and the second one is derived physical quantity. तो हमारी जो पहली quantity है fundamental physical quantity. तो the physical quantity which can be treated as independent of other physical quantities are called fundamental physical quantities. मतलब वो quantities जिसको हम अगर describe करना चाहें तो उसको describe करने के लिए हमें किसी और physical quantity की मदद नहीं लेने पड़े. तो इस तरीके की quantities को हम बोलते हैं fundamental physical quantity. जैसे कि हमारा length है example length, ठीक है ना, लेंथ है, मास है. क्या मास को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की मदद चाहिए? नहीं चाहिए. तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. अब ये जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये सात हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. तो हम लिखेंगे देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना. और ये है हमारी पहले है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो ये हमारी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो अब हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे. तो द क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज.
इसका एग्जांपल लिखेंगे हमारा, जैसे कि हमारा फ्रीक्वेंसी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है एटसेट्रा। तो ये हमारी होती हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे जनरली हम लोग तीन तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करते हैं। एक हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है हमारा एमके सिस्टम ऑफ यूनिट, एक होता है हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम यूनिट्स में जो लेंथ होती है वो हमारी मीटर में होती है, जो हमारा मास होता है वो हमारा किलोग्राम में होता है, और जो हमारा टाइम होता है वो हमारा सेकंड में होता है। फिर हमारा आती है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एज द नेम सजेस्ट, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो जो हमारी लेंथ होती है वो हमारी सेंटीमीटर में होती है, जो हमारा मास होता है वो हमारा ग्राम में होता है, और जो हमारा टाइम होता है वो हमारा सेकेंड में होता है। और जो थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत कॉमनली यूज की जाती है वो होती है एफ पी एस, दैट इज एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड। तो इसमें लेंथ जो होती है वो फुट में मेजर की जाती है, मास हमारा पाउंड में मेजर किया जाता है, और टाइम हमारा सेकंड में मेजर किया जाता है। अब जो हमारे सिलेबस में जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज बेस्ड ऑन द 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो हमारा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, इसमें हमारी लेंथ मीटर में थी, मास हमारा किलोग्राम में था, और टाइम हमारा किस में था, सेकंड में था। ठीक है, तो इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, और इसमें 5-4 और यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स इसमें ऐड की गई, और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ऐड कर दी गई। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम बना इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो इसमें जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं वो हैं हमारी, तो जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं वो है लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। और ये इसके सिंबल हैं जिससे ये रिप्रेजेंट की जाती है, मीटर स्मॉल एम से, किलोग्राम कैपिटल के स्मॉल जी से, सेकंड हमारा एस से, केल्विन कैपिटल के से, एम्पियर कैपिटल ए से, कैंडेला कैपिटल सी स्मॉल डी से, मोल MOL से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उसके ऊपर। तो जो हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो है प्लेन एंगल को नापने के लिए रेडियन, और इसका सिंबल है RAD रेड। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है स्मॉल s और स्मॉल r। तो ये हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई। तो यहीं पे हम लोग अपने SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सेकेंड वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज लीस्ट काउंट। सो द लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो इसको हम मीटर स्केल से समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, मीटर स्केल। सो इन मीटर स्केल 1 meter इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 centimeter। नाउ 1 centimeter is further divided into
10 parts. So, 1 part or division is equal to 0.1 centimeter or 1 millimeter. ठीक है ना? तो जो एक मीटर स्केल होता है, उसका जो एक डिवीजन होता है, उसकी वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर के बराबर। तो जो सबसे छोटी वैल्यू हम एक मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, वो 1 मिलीमीटर होती है। तो हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। यहां पे हमारा ये मीटर स्केल है, ठीक है, ये मीटर स्केल का पार्ट है। यहां पे आप देखेंगे एक पार्ट हमारा 1 सेंटीमीटर का है, और ये जो 1 सेंटीमीटर है, इसको भी छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना? तो यहां पे देखेंगे ये जो हमारा एक पार्ट है, ये हमारा छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर भी छोटे छोटे 10 पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है, ठीक है ना? तो हर एक पार्ट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जो एक पार्ट की जो लेंथ है वो है 1 मिलीमीटर। तो इससे जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। तो इसलिए इसका इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर क्या होती है? वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका लीस्ट काउंट मीटर स्केल से भी कम होता है, काफी ज्यादा कम होता है। और अलग अलग वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तो अगर हमें ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू को मेजर करना है तो वहां पे हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है, तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 स्केल होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा मेन स्केल और दूसरा होता है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है? और ये दोनों स्केल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है? तो इसका अगर हम थोड़ा सा इसको बेहतर समझना चाहें तो हम इसको डायग्राम से इसको समझेंगे। लेट अस गो फॉर द डायग्राम। तो ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर, ठीक है, जिसमें ये हमारे होते हैं जॉज इसके, ठीक है? अगर हमें किसी का एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करना है तो वो हमें इसके जॉ के बीच में रखना पड़ेगा। अगर हमें किसी चीज का इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है तो हम इन जॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें किसी की डेप्थ, किसी बीकर की या किसी छोटी सी चीज की डेप्थ अगर हमें पता करनी है तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे हमें एक्सटर्नल डायमीटर पता करना हो, इंटरनल डायमीटर पता करना हो, या डेप्थ पता करना हो, ठीक है, ये तीनों चीजों की रीडिंग निकालने के लिए हम, ये हमारा वर्नियर स्केल है और ये हमारा है मेन स्केल, ठीक है? अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में पुश करते हैं तो हम ये वाला जो जॉ होता है, जो हमारा पर्पल रंग से है, ये हमारा जॉ मूवेबल जॉ होता है। तो इसको हम पीछे स्लाइड करते हैं और इसके बीच में एक पेंडुलम का बॉब या फिर कोई वेट या जो भी चीज हम इसमें रखना चाहें, जिसका डायमीटर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो यहां पे हम पुट कर देते हैं। अब उसकी रीडिंग हम, ये हमारा वर्नियर स्केल होता है और इसमें वर्नियर स्केल में कुछ डिविजन्स होते हैं, और ये हमारा मेन स्केल है, इसमें कुछ डिविजन्स होते हैं, ठीक है ना? अब ये कितने डिविजन्स होते हैं, कैसे क्या होता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है वर्नियर कैलिपर, जिससे हम इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर और किसी भी चीज की डेप्थ, हम बहुत छोटी सी डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर का ये है कि एन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स आर मेड इक्वल टू एन माइनस वन मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है ना? तो अगर हमारे जितने भी नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे
वर्नियर स्केल में है, तो वो सारे डिविजन्स, वो सारे हम मान लेते हैं वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स हैं, तो जो वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स होंगे वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के बराबर होते हैं। यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है वर्नियर कैलिपर का। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हम लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकालेंगे। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसके दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा वो है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीरो एरर। तो हमारी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। तो जीरो एरर क्या होता है, पहले हम उसको डेफिनेशन लिखेंगे फिर हम उसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जीरो एरर, तो जीरो एरर हमारी क्या होती है, जीरो एरर ये होती है कि अगर हम दोनों जॉ को, जो हमारा फिक्स जॉ होता है और मूवेबल जॉ होता है, अगर हम दोनों को पास ले आते हैं, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, तब हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में, इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है, ठीक है ना। तब हम कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। अब जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो एरर निगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, अब अगर हमारा वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, तो हम कहेंगे कि जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है तो हम कहेंगे जो जीरो एरर है वो हमारी निगेटिव है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो व्हेन द फिक्स्ड एंड द मूवेबल जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर आर मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट कॉमा इफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड कॉमा देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव जीरो एरर। तब हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। फिर जीरो एरर हमारी दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। अगर हमारे वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो के वो राइट में है, तब हम कहेंगे जो एरर है वो हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। और अगर हमारा वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है तो हम कहेंगे जो एरर है हमारी वो निगेटिव एरर है। दैट इज इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल देन द एरर इज कॉल्ड निगेटिव जीरो एरर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्रोसीजर फॉर टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो हम वर्नियर कैलिपर से हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं, तो उसके लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप होता है लीस्ट काउंट निकालना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सबसे पहला स्टेप है हमारा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाल लेना। फिर हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप है जीरो एरर कैलकुलेट करना।
तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालेंगे, फिर हम उसकी जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जिस भी चीज की हमें लेंथ या डायमीटर हमें निकालना है, वो हम इसके जॉस के बिटवीन द जॉस अब यहां पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम बॉब का एक्सटर्नल डायमीटर निकाल रहे हैं। तो जिस भी चीज का हमें डायमीटर निकालना हो या लेंथ निकालनी हो, वो हम जॉस के बीच में पुट कर देते हैं। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप। अब हम क्या करेंगे, हम मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो हम निकालते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है ना, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं। और जो हमारा फाइनल स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, हम मेन स्केल रीडिंग में ऐड करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो हमारी जीरो एरर आई है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। और अब हमें जो भी हमारी रीडिंग है, जो हम भी जैसे यहां पे हम बॉब का हम एक्सटर्नल डायमीटर निकाल रहे थे, तो यहां पे इसमें हम वैल्यूज पुट करने के बाद हमें बॉब का एक्सटर्नल डायमीटर हमें मिल जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और अगर हम समझना चाहें तो हमें एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट अस प्रोसीड टू दैट एग्जांपल। तो यहां से हम किस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं, तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ जो एक्सटर्नल डायमीटर को निकालने के लिए जो जॉस की जरूरत होती है, सिर्फ उन्हीं को बनाया है, बाकी हमने टेल और इंटरनल डायमीटर वाले जॉस हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमने जॉ के बीच में ये रेड कलर का एक इंस्ट्रूमेंट, एक कोई भी रखा हुआ है मटेरियल, ठीक है। इसकी हमें लेंथ नापनी है, तो इसकी लेंथ नापने के लिए सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप क्या है, हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना होगा। तो पहले हम निकालेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट हमारा वर्नियर कैलिपर का आता है नंबर ऑफ डिविजन ऑफ मेन स्केल या फिर वन मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पे हम देखेंगे ये एक नॉर्मल मीटर स्केल है, तो जो वन मेन स्केल है, ये वन मेन स्केल हमारा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने वन मेन स्केल डिवीजन पुट किया। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। अब देखिए नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10 है, तो हमने यहां पे इसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पे जो हमारा लीस्ट काउंट आया वर्नियर कैलिपर का, वो आया 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। फिर मान लीजिए कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जीरो एरर कितनी है, जीरो एरर जो है वो जीरो, सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि जीरो एरर हमारी जीरो है। अब हमारा जो मेन स्टेप है वो है कि हम रीडिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग हम निकालते हैं यहां पे जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो है, ये कहां पे आ रहा है ये हम देखेंगे। ये हमारा जीरो था, ये फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरीके से ये 1 आया, फिर 1 के बाद 1.1, 1.2 और 1.2 और 1.3 के बीच में है। तो जो पहली वैल्यू है 1.2, तो जो मेन स्केल रीडिंग आई है वो हमारी आई है, मेन स्केल रीडिंग वो हमारी आई है 1.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। जहां पे हमारा वर्नियर स्केल का जीरो होता है वहां तक हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखेंगे कि इस पॉइंट से पहले कितनी रीडिंग आ चुकी है, 1.1, 1.2, तो 1.2 जो है वो हमारी मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में हमने बताया था कि वर्नियर स्केल के एंड डिविजन्स
मेन स्केल के n माइनस वन डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। तो जब हम इसको मूव करा देंगे, अगर इसमें जीरो एरर है, तो जब हम दोनों जॉज को क्लोज कर देंगे तो जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा और मेन स्केल का जो जीरो होगा वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, ठीक है ना। अब जब हम इसको थोड़ा सा मूव करा देंगे, इसके जॉ को हम ओपन करा देंगे, अब ये वाला जो हमारा जीरो होगा, जीरो से लेके यहां तक के कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो इनमें से कोई ना कोई एक डिवीजन अगली वाली ऊपर वाली जो मेन स्केल की कोई ना कोई लाइन से कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हमको इसको देखने के लिए हमको अपना हेड बिल्कुल इसके ऊपर वर्टिकली ऊपर रखना होगा, तभी हम करेक्ट रीडिंग नोट कर पाएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 जो वर्नियर स्केल का सेवेंथ पार्ट है वो किसी ऊपर वाले एक पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कोइंसाइडिंग पार्ट है वर्नियर स्केल का, तो यही हमारी हो जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग 7। जो भी पार्ट, अगर मान लो कोई भी तीसरा पार्ट कोइंसाइड कर रहा होता तो हम तीसरा लिखते, चौथा, चौथा लिखते, पांचवा, अब यहां बाय चांस की बात है सातवां पार्ट ऊपर वाले किसी पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है तो ये 7 लिखी जाएगी। और देखिए, ध्यान रखिए, इसमें कोई एक ही पार्ट कोइंसाइड करेगा, क्योंकि नीचे वाले के 10 पार्ट्स ऊपर वाले के 9 पार्ट्स के बराबर है, तो एक टाइम में कोई एक ही पार्ट ऊपर वाले के किसी पार्ट से कोइंसाइड करेगा, और जो हमारा वर्नियर स्केल का जो सा पार्ट हमारा ऊपर वाले पार्ट से कोइंसाइड कर रहा होगा वही हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आ चुकी है। तो हमारा लीस्ट काउंट आ गया, मेन स्केल रीडिंग आ गई और वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। अब हम निकालेंगे रीडिंग, फाइनल रीडिंग, या फिर ये जो हमने यहां पे रॉड ली है छोटी सी, इसकी लेंथ क्या है। तो ये आएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहां पे जो रीडिंग निकल के आ रही है वो 1.2 प्लस 7 इनटू, और लीस्ट काउंट हमारा क्या था, 0.01। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.27 सेंटीमीटर्स। तो ये जो हमारी रॉड है इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 1.27 सेंटीमीटर्स है। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी छोटी सी कोई टुकड़ा होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, या सिलिंड्रिकल टुकड़ा हो या स्फेरिकल टुकड़ा हो, तो उसकी हम लेंथ या एक्सटर्नल डायमीटर हम निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्क्रू गेज। सो व्हाट इज स्क्रू गेज? So it is an instrument used for measuring the dimensions of a very small magnitude like the diameter of thin wire or thickness of paper etc. तो बहुत ही precise measurement के लिए हम screw gauge का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने देखा था हमारा meter scale था, meter scale का जो least count आया था वह हमारा 1 millimeter था। फिर हमने vernier caliper लिया, उसका least count मीटर स्केल से भी कम था, उसका लीस्ट काउंट जो था वो 0.1 millimeter था। अब जो हमारा स्क्रू गॉज होता है इसका लीस्ट काउंट उससे भी बहुत कम होता है। तो अगर हमें बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करना है तो वहां पे हम स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आगे हम इसके थोड़ा सा डायग्राम बना के इसको स्टडी करते हैं। सो लेट अस मेक द डायग्राम। तो ये होता है हमारा स्क्रू गेज होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा स्क्रू गेज होता है ये स्क्रू इन द नट प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसमें ये एक स्क्रू होता है और ये हमारा नट होता है। जब हम इस स्क्रू को रोटेट करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे या पीछे जाता है, ये डिपेंड करता है कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये हमारा स्क्रू आगे बढ़ेगा इस नट में या इस नट में पीछे जाएगा।
अब ये हमारे स्क्रू के जो टिप होता है वहां पे एक स्पिंडल जो पार्ट होता है उसको हम स्पिंडल बोलते हैं, और ये जो एंड होता है जो हमारा मूव नहीं करता है इसे हम बोलते हैं स्टड। फिर यहां पे हमारी एक हॉलो स्लीव होती है जो जिसके अंदर से हमारा ये जो स्क्रू है ये पास होता है, ठीक है। अब ये इससे इसके अंदर से पास होते हुए ये हमारा थिम्बल से जुड़ा होता है, अगर थिम्बल रोटेट करेगा तो उसके साथ में जुड़ा हुआ स्क्रू भी रोटेट करता है, ठीक है। अब ये होता है हमारा, ये होता है हमारा मेन स्केल, ठीक है। ये जो हमारा फिक्स स्लीव है इसके ऊपर हमारा मेन स्केल बना होता है जिसमें ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, और ये हमारे हैं मेन स्केल के पार्ट्स। जैसे ये हमारा 1 मिलीमीटर, फिर यहाँ 2 मिलीमीटर, 3 मीटर, 4 मिलीमीटर, इस तरीके से हमारा मेन स्केल बना हुआ है। अब हमारा होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा सर्कुलर स्केल, ठीक है। और सर्कुलर स्केल नॉर्मली हम इसको लेते हैं 100 पार्ट्स में, ये डिवाइड होता है सर्कुलर स्केल, एक पूरा जो ये रोटेशन है ये 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 पार्ट्स ही हो, किसी किसी में 50 भी हो सकता है, किसी किसी में 200 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम आएंगे कि जब इसके बेसिक प्रिंसिपल पे आएंगे कि जब हमारा ये जो थिम्बल है ये स्क्रू के साथ अंदर अंदर कनेक्टेड है, तो जब हम थिम्बल से पहले हम देखेंगे कि हम देख क्या रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। अगर हम अपनी आंख को यहां पे रखेंगे, ठीक है, तो अब अगर हम इस थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इस आंख जो हमें इस आंख से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा स्क्रू है ये इस नट में मूव करेगा और ये पार्ट हमारा आगे बढ़ेगा, और साथ में जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये हमारा सर्कुलर स्केल भी हमारा आगे बढ़ेगा। किस पे? इस मेन स्केल पे ये सर्कुलर स्केल भी आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा स्क्रू है इस नट के अंदर ये पीछे की तरफ मूव करेगा और इससे जुड़ा हुआ थिम्बल भी हमारा पीछे जाएगा, और साथ ही साथ ये हमारा स्पिंडल भी इसी से जुड़ा हुआ है तो ये भी हमारा पीछे जाता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है स्क्रू इन द नट, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो द प्रिंसिपल इज द स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू इन अ नट। सो व्हेन द स्क्रू रोटेट्स द टिप ऑफ द स्क्रू मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हमारा ये स्क्रू हमारा इस नट में रोटेट करता है तो हमारा स्क्रू क्या है, आगे बढ़ता है, और इसके साथ लगा हुआ स्पिंडल भी हमारा आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे कि पिच क्या होती है, ठीक है ना। तो अब हम पिच के बारे में जानेंगे, पिच क्या होती है। तो जब हमारा थिम्बल या स्क्रू, थिम्बल के साथ ही हमारा स्क्रू जुड़ा हुआ है, अगर हमारा थिम्बल एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो स्क्रू भी हमारा एक कंप्लीट रोटेशन करेगा। तो जब हमारा थिम्बल एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो जितना डिस्टेंस मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ता है वही हमारी पिच होती है, ठीक है। एक रोटेशन कंप्लीट करने में ये सर्कुलर स्केल जितना हमारा मेन स्केल पे आगे बढ़ेगा वही हमारी क्या होगी, पिच होएगी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाई सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। तो ये हमारी पिच होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सर्कुलर स्केल एक रोटेशन करता है तो हॉरिजॉन्टल स्केल पे वो कितनी लेंथ कवर करता है, पिच के बराबर, PITCH, पिच के बराबर डिस्टेंस वो कवर करता है। अब यहां पे देखेंगे हम, देखिए ये हमारा सर्कुलर स्केल है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इस सर्कुलर स्केल पे 100 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जब ये 100 पार्ट्स, एक रोटेशन का मतलब ये है कि 100 पार्ट्स जब पूरे रोटेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये पिच के बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं, 100 पार्ट्स, जब 100 पार्ट्स हमारे रोटेट हो जाते हैं तो हमारा सर्कुलर स्केल
मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर करता है, पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। अब अगर यहां पे देखते हैं कि देखिए 100 पार्ट्स अगर पूरा रोटेट करने में 100 पार्ट्स लगते हैं, ठीक है, तो ये पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर ये एक पार्ट सिर्फ रोटेट करेगा, सिर्फ एक पार्ट रोटेट करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे कितना आगे बढ़ेगा। अगर ये सिर्फ एक पार्ट मूव करता है तो ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे पिच अपॉन 100 इतना डिस्टेंस ये, पिच अपॉन 100 इतना डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे आगे बढ़ेगा। तो यही होती है हमारी मिनिमम वैल्यू, यही मिनिमम लेंथ है जिसको हम स्क्रू गॉज की मदद से हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे हम थोड़ा सा इस चीज को डायग्राम से फिर से समझेंगे। देखिए ये हमारा थिम्बल है, ठीक है, थिम्बल हमारा इस स्क्रू के साथ जुड़ा हुआ है और इसके स्क्रू के आगे एंड पे स्पिंडल लगा है। अब यहां पे देखेंगे ये जो यू शेप्ड है फ्रेम है, इसके दूसरे एंड पे हमारा स्टड लगा हुआ है, स्टड हमारा बिल्कुल फिक्स है और ये जो हमारा स्क्रू है इसको रोटेट करने पे ये आगे पीछे जाता है। अब अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू हमारा क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। तो जब ये हमारा स्टड स्पिंडल, जब हम इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये स्पिंडल हमारा स्टड में टच हो जाता है, उस टाइम पे अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तब हम कहेंगे कि इसमें जीरो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो हम उस केस से इसको समझते हैं कि मान लीजिए इसमें कोई एरर नहीं है, तो हमने इसको पूरा रोटेट कर दिया और ये स्पिंडल हमारा स्टड के साथ टच हो गया है, ठीक है, और यहां के ऊपर इस पॉइंट पे बिल्कुल इसके अलाइन होके बेस लाइन के साथ अलाइन होके यहां पे जीरो आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इस थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और ये जो यहां पे वन है ये घूम के हमारा कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। जब ये वन इधर घूमेगा तो ये जो हमारा स्पिंडल है ये भी हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेगा, क्योंकि अगर ये हम पूरे 100 पार्ट्स घुमाते तो ये हमारा पिच के बराबर घूमता, अगर हमने सिर्फ एक पार्ट इसको घुमाया है तो ये हमारा कितना घूमेगा, पिच अपॉन 100, इतनी लेंथ ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये वो मिनिमम लेंथ है, दैट इज पिच अपॉन 100, ये वो लेंथ है जो मिनिमम वैल्यू हम इस स्क्रू गेज से नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो अब हम यहां पे लीस्ट काउंट, तो इसी जो मिनिमम वैल्यू किसी भी स्केल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वही उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू इस इंस्ट्रूमेंट से, जो मिनिमम वैल्यू हम इससे मेजर कर सकते हैं वो है पिच अपॉन 100। तो यहां से हम इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट हमारा क्या आ गया, तो लीस्ट काउंट हमारा आया हमारा पिच अपॉन 100, ये आया लीस्ट काउंट। लेकिन ये 100 क्या था, ये 100 था नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। अब जरूरी तो नहीं है कि हर है स्क्रू गॉज में 100 ही है पार्ट्स हो, किसी में 50 भी हो सकते हैं, फिर किसी में 200 भी हो सकते हैं। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो लीस्ट काउंट हमारा आएगा पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लीस्ट काउंट का। तो ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं जीरो एरर की। तो जीरो एरर क्या थी, जब हमने थिम्बल को रोटेट करने के बाद ये जो हमारा स्पिंडल है ये स्टड के कांटेक्ट में आ गया है, उस टाइम पे अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तब हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है,
ठीक है ना। अगर हमारा स्पिंडल जब स्टड के साथ टच करने लगता है उस टाइम पे अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे इसमें एरर है। अब एरर भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी पॉजिटिव एरर और एक होती है हमारी निगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होती है कि अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे है तो हम कहेंगे कि इसमें पॉजिटिव एरर है, और अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के ऊपर है तब हम कहेंगे इसमें निगेटिव एरर है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए तो यहां पे हम पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन द स्टड एंड स्पिंडल आर मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू हैव जीरो एरर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। नाउ इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे है देन द एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर, एंड इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द बेस लाइन देन द एरर इज कॉल्ड निगेटिव एरर। तो हम कहेंगे अगर हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के ऊपर है तब हम कहेंगे उसमें निगेटिव एरर है। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ प्रोसीजर फॉर टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गॉज। तो अब हम स्क्रू गॉज से किस तरीके से, अभी हम लोगों ने पूरा स्क्रू गॉज पे सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है उसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसकी वर्किंग कैसे है, किस क्या उसका प्रिंसिपल है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे रीडिंग निकालते हैं, उस किस तरीके से हम किसी की मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा मेन स्केल रीडिंग। दैट इज MSR, मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले होती है। ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग हम कैसे लेते हैं इसको भी समझ लीजिए। मेन स्केल रीडिंग कैसे होती है कि मान लो कि हमारा स्पिंडल, इनिशियली स्पिंडल हमारा स्टड दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, फिर अब हमें किसी चीज का मेजरमेंट करना है तो हम इसको क्या करते हैं, थिम्बल को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे जिसकी वजह से ये जो हमारा स्पिंडल है ये पीछे जाएगा और इसके बीच में जो भी चीज हमें मेजर करनी है उसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मेन स्केल के कितने पार्ट्स, ठीक है ना, कितने पार्ट्स इस सर्कुलर स्केल के बाहर आ गए हैं। ठीक है ना, तो जितने पार्ट्स हमारे टोटली बाहर आ गए हैं वही हमारी क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। जैसे कि ये जीरो है, 1, 2, 3, 4, जैसे यहां पे फोर पार्ट बाहर आ गए हैं तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग हमारी फोर। अब देखो हर पार्ट, क्योंकि ये मेन स्केल होता तो हमारा मीटर ही स्केल है तो हर पार्ट हमारा 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, चार पार्ट है तो इसका मतलब ये 4 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो इस केस में जो हमारी रीडिंग आएगी मेन स्केल रीडिंग वो हमारी 4 मिलीमीटर आ जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे। दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो अगला स्टेप होता है हमारा, हम सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, अब फिर हम निकालते हैं, ये तो हमारा जो थर्ड स्टेप है ये तो हमारा सबसे पहला होना चाहिए था, मैं मिस कर गया हूं। जो सबसे पहला स्टेप होता है, हालांकि ये सबसे पहले आएगा, ये यहां पे आएगा सबसे ऊपर। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारा लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और लीस्ट काउंट का हमें फॉर्मूला पता है किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकालेंगे, फिर हम मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, फिर हम सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम मेन रीडिंग निकाल देंगे। तो मेन रीडिंग हमारी कैसे आएगी, हम मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, फिर उसमें हम ऐड करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग को
लेकिन इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, लीस्ट काउंट से, ठीक है। तो हम सर्कुलर स्केल रीडिंग में लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करने के बाद हम मेन स्केल में ऐड कर देंगे और हमें फाइनल डायमेंशंस, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हम मेजर कर रहे हैं उसकी हमें फाइनल डायमेंशंस मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो हमारा जो हमारे जीरो एरर है तो वो अगर होगी, मान लेते हैं अगर इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम यहां पे क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस, जो भी हमारी पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव होती है तो यहां से हम उसको माइनस कर देंगे, और निगेटिव जीरो एरर निगेटिव होती है तो उसको भी हम माइनस करेंगे। तो यहां पे जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो निगेटिव जीरो एरर जो होती है वो एक्चुअली में ऐड होती है और पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होती है। जिस चीज को जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे हम एरर की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ जो हमारा बेसिक प्रोसीजर है किस तरीके से हमारा स्क्रू गॉज वर्क करता है और किस तरीके से हम रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। तो यहां पे हमारा स्क्रू गॉज कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो लेट अस स्टडी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए यहां पे हम लोग एक पेंसिल का मेजरमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो हम यहां पे देखें कि जो हमारा पेंसिल का एक एंड है वो हमारा जीरो पे रहेगा और दूसरा एंड हम देखते हैं ये कहां पे है। ये देखिए यहां पे नीचे हमने ये मीटर स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, जहां पे ये हमारा एक सेंटीमीटर है, ये दो सेंटीमीटर, ये तीन सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो अब हम यहां पे देखेंगे आएंगे इसको मेजर करने के लिए। तो यहां तक हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2.1 2.2 2.3, तो 2.3 के बाद 2.4 तक ये पेंसिल नहीं पहुंची है, तो 2.3 तक तो है, उसके बाद 3 और 4 के बीच में कहीं पे इसका पॉइंट आया है। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी लेंथ सेंटीमीटर में, तो आएगा हमारा 2.3। अब देखिए ये हमारा 2.3 और 2.4 के ये बीच में आ रहा है, तो हम इसको 2.35 ले लेंगे, ठीक है ना। अब ये वाली जो दो डिजिट थी, ये वाली, इसके इन डिजिट के लिए हम क्या है, हम श्योर है, लेकिन ये वाली जो डिजिट है, ये जो 5 है, ये डिजिट कैसी है, हमारी अनसर्टेन है। तो चाहे हम जितना प्रिसाइज मेजरमेंट कर लें, चाहे हम मीटर स्केल से कर लें, चाहे हम स्क्रू गेज से कर लें, चाहे हम वर्नियर कैलिपर से कर लें या किसी भी चीज से कर लें, लास्ट वाली जो डिजिट रहती है वो हमारी अनसर्टेन रहती ही रहती है, ठीक है। अब ये जो हमने इसको मेजर किया है तो ये जो वैल्यू आई है इसमें क्या है, 2.35, इसमें दो डिजिट हमारी सर्टेन है और एक डिजिट हमारी कैसी है, अनसर्टेन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके मेजरमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए हैं वो हमारे 3 हुए, जिसमें दो हमारे सर्टेन है और एक हमारा अनसर्टेन है। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नाउ। तो यहां पे जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है तो क्या है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोस डिजिट्स इन अ मेजरमेंट क्वांटिटी विच आर श्योर, दिस 2 and 3 श्योर, प्लस 1 additional digit that is uncertain. So this is the definition of significant figures. Now we are going to write the rules of finding the significant figures. Okay, so let us write the rules now. Rules of finding significant figures. So the first rule is all non-zero digits are significant. That is, example 2, 3, 4, 5, 7. So the number of significant figures in this measurement is 5. Significant figures we are writing with black pen. Now the second rule is all
जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक एग्जांपल से ऐसे भी देखते हैं, जैसे 100.02 लिखा हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हैं, देखिए 0 4 बीच में आए हैं और ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इसमें कितने होंगे, 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको भी देखते हैं, जैसे हमारा यहां पे लिखा है 0052, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हैं, 2। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, जैसे 0.0371, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3। तो यहां पे जितने भी हमारे लेफ्ट में जीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना, अगर देखिए हमारे नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस में जितने भी हमारे जीरो होंगे किसी भी नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी जीरो होंगे सब हमारे नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं 127000, तो इसमें जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, 3 होंगे, हम यहां पे जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अगर ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तब हम राइट साइड वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल है तो हम देखिए तो हमारा क्या रूल है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर हैज अ डेसिमल पॉइंट। तो जैसे चौथा वाला पॉइंट क्या था कि अगर डेसिमल नहीं है तो जितने भी हमारे राइट साइड में जीरोस होंगे कोई भी जीरो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल है तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होंगे हमारे राइट में वो सारे सारे
वो सारे के सारे नंबर्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 127.3 और यहां पे दो जीरो लगे हुए हैं, तो अब ये डेसिमल के बाद ये दो जीरो हैं, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे काउंट होंगे। तो यहां पे हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो दैट इज द एंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 1। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स एज वट एवर यू डिमांड इन न्यूमेरिकल्स आई विल अपलोड देयर वीडियोज, बट द चैप्टर द थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड।